हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे फूड कसस्ट की रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, इसमें से थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया है। इसे हम बॉईल कर लेंगे दूध को। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम कस्टर्ड को मिला लेते हैं। यहाँ पे हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम दूध। ये छोटी कटोरी से 1 कटोरी ये दूध है। दूध को ठंडा ही ले, गरम ना ले। ठंडे दूध में अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से मिल जाएगा। इस तरह से मिला ले अच्छी तरह से। इसमें लम्स ना रहे, इस तरह से मिलाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा मिल गया है। हम दूध देख लेते हैं, दूध भी हमारा बॉयल हो गया है। देखिए अब इसमें डाल देंगे हम शक्कर। ये 5 चम्मच शक्कर है, इसे डालकर मिला देंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिलाया था। इसे डालते हुए इस तरह से हिलाते हुए रहे। और लो मीडियम फ्लेम में हम 10 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। और इसे चलाते रहें, नहीं तो नीचे से ये पकड़ सकता है। इस तरह से लगातार चलाते रहें। देखिए ये धीरे धीरे इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रूट में मैंने लिया है यहाँ पे के अंगूर, अनार, पपीता और केला। आप अपनी पसंद से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। हमारा ये ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम फ्रूट डाल देंगे। इसमें अंगूर डाल दें। केला डाल दें। पपीता, अनार के दाने, सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और फ्रिज में 2 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे। इन गर्मियों के मौसम में इसे एंजॉय करें। देखिए हमारा फूड कस्टर्ड बनकर तैयार है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको मिले। मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।